सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी भारतीय बाजारों को लेकर, जहां पर एक बड़ा उठा पटक हमें आज फिर देखने को मिल रहा है। मार्केट में बड़ी करेक्शन भी होते हुए नजर आ रही है, फिर रिकवरी भी बनते हुए नजर आ रही है। तो मार्केट का जो अभी के टाइम मूड माहौल है वो समझ में नहीं आ रहा, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी टाइम आप लोग देखो, जो इलेक्शंस की जो वोटिंग हुई है, अभी आपने देखा होगा अभी थर्ड फेज की जो वोटिंग हुई है तीसरे चरण की, वहाँ पर जो परसेंटेज निकल कर आया है वो लगभग 64% के आसपास है। तो 64% हमें जो वोटिंग है वो देखने को मिली है। ठीक है, कल के दिन जो हुई है, इससे पहले जो दो चरणों में वोटिंग हुई तो 66% के आसपास हुई थी, तो ये तो वहाँ से भी नीचे आ गए। तो क्या ये एक डर का जो चिन्ह है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो इंडिया विक्स है उसके अंदर एक और बड़ा जंप ला सकता है? तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं क्वेश्चन मार्क वाली, और बहुत से भाई हुए कमेंट आ रहे हैं कि ग्लोबल बाज़ार बिल्कुल बुलिश है, वहाँ पर मजबूती है। तो देखो, वो पिछले दो तीन दिन से तो वो तो बिल्कुल मजबूती है, जब से यूएस फेड की मीटिंग हुई है ना तब से लेकर वो तो अब तक बिल्कुल मजबूती है, उसमें कोई हलचल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे बाज़ार तो उसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे बाज़ार में तो आप लोग देखोगे भी बड़ी उथल पुथल हो रही है अभी के टाइम। आज फिर आप लोग देखोगे निफ्टी अभी टाइम 222-250 के आसपास है। ठीक है, एक बार तो नीचे में आप लोग देखो कहाँ तक चला गया था, अभी ये आपके सामने है नीचे में, ये आप लोग देख सकते हो अभी 200 के भी नीचे में चला गया, 2200 के भी नीचे में चला गया था। तो बड़ी उठा पटक हो रही है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अभी टाइम किस सेंटिमेंट पे चेंज हो सकता है मोमेंटम? एक तो आप लोग देखोगे भी इलेक्शंस को लेकर जो पब्लिक के अंदर डर है, ठीक है, वो आपको कम करना होगा। ठीक है, आज आप लोग देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्का फुल्का हमें रिकवरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल तो निफ्टी आईटी भी आपको पॉजिटिव क्लोजिंग लेता है, और इसके साथ साथ जो एफएमसीजी सेक्टर उसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम थी, लेकिन और सारे सेक्टर डाउन थे। आज फिर भी आपको हल्का फुल्का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और रही बात मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप में आज आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है, कि 10-15 पॉइंट्स की गिरावट है, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर आज जो ना भी मजबूती के संकेत मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, वो देखो बाजार के ऊपर निर्भर। अभी के टाइम जिस प्रकार का जो माहौल है मार्केट को देखते हुए, ये आनी चाहिए रिकवरी मार्केट में। और बाकी भाई देखो, क्या ही कह सकते हैं किस टाइम क्या हावी हो जाए। और बाकी जो FIDI का डाटा आया है, चलिए वो आपको दिखा दे, वो तो बिल्कुल नेगेटिव ही है भाई, जिसकी वजह से पहले से ही दबाव है मार्केट के ऊपर। अगर आप देखोगे भी FIDI इनका मंगलवार का डाटा कैसा रहा है, तो आपके सामने है कैश में इन्होंने 3669 करोड़ का जो ना भी माल बेचा, तो DI की तरफ से तो खरीदारी हुई है, DI की तरफ से खरीदारी हुई 2305 करोड़ के आसपास, लेकिन FIA ने जमकर माल बेचा है भाई। FIA ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोग देखोगे भी 2353 करोड़ का, इंडेक्स फ्यूचर में आप लोग 1772 करोड़ का, और जो स्टॉक फ्यूचर है उसके अंदर 137 करोड़ के आसपास का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा मोटा माल इन्होंने यहाँ पर कल के दिन बेचा है, तो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस सब चीज़ का भी। ठीक है, और बाकी देखते भी कैसा माहौल बनता है, एक बार आप लोग भी कमेंट जरूर करना और ज़रूर बताना कि भी आज मार्केट का कैसा मूड माहौल बन सकता है। समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा अभी मार्केट में आखिरकार ये चल क्या रहा है, सब कुछ मजबूत है लेकिन हम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं अभी के टाइम। एक इंडिया विक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है अभी कमेंट आ रहे हैं, देखो भाई वो एक सेंटीमेंट आप लोग देखो कि वो एक फियर का जो मीटर है उसे आप लोग समझ सकते हो, वो पब्लिक के अंदर जो डर है उसे दर्शाता है। तो वो डर जो ना अभी पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा है, आपने देख भी लिया होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के आई थिंक चलना सही रहेगा। आगे आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, और बाकी जो कोई भी अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।